मैंने स्टार्ट कर दिया तो रिकॉर्डिंग हो गया स्टार्ट। तो अब हम करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो स्क्रीन भी मैं शेयर करता हूँ, देन उसके ऊपर बात करते हैं। आवाज़ भाई अपना नेट ठीक करो ना, मेरा तो ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है और आवाज़ क्लियर है सबको, दोनों चीज़ें क्लियर हैं? स्क्रीन शेयर की है मैंने यार, ध्यान से देखें। हमें कोई टेंशन नहीं, डॉलर रेट जिस पे भी सेल हो रहा है हमें पता, बस डॉलर आ रहे हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है, जल्दी बताओ यार। स्क्रीन सबको शेयर हो रही है? ओके गुड, हो गया ठीक है। मैं भी इसको करता हूँ चैट को रिमूव। मलिक शर्जील आप क्लास दोबारा ज्वाइन करो, या मैं बल्कि कर ही देता हूँ यार, एक मिनट दोबारा करता हूँ मैं। ठीक हो गया, नाउ मैं ऑफ करने लगा हूँ आपकी चैट और टॉपिक की तरफ जाते हैं, ठीक है? ओके कम हेयर, ये तो आज का एनालिसिस है डॉलर का, इसको साइड पे करें। डॉलर बड़े कमा लिए हैं, इसको साइड पे कर देते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कल जो टॉपिक स्टडी किया था, दैट इज़ अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेजर लेवल्स एज वेल, ठीक है? लेकिन आज हमने उनको रिपीट करना है, ठीक है? लाइक थोड़ा सा लेक्चर रिपीट हो जाएगा, और ऐसा है कि जो ऑलमोस्ट रिपीट होने वाला है, ठीक है? एंड देन हमारा जो है वो साथ, हमने कुछ अपने माइनर लेवल्स भी आज देखने हैं कि अंदर कुछ माइनर लेवल्स भी होते हैं, ठीक है? उनको हम देखते हैं, ठीक है? कल हमने स्टडी किया था, सॉरी कल हमने स्टडी किया था कि भाई सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है, ठीक है, जिस पे मार्केट जो है अगर वो टकराती है, ठीक है, तो वहाँ से क्या करती है, वो पुश करती है, लाइक वहाँ से बाय जाती है। इन केस अगर वो फ्यूचर में भी वहाँ पे आती है तो इस लेवल से वो जो है ना वो बाय चली जाएगी। एंड रेजिस्टेंस को जब हमने स्टडी किया, तो रेजिस्टेंस हमारे पास एक ऐसा लेवल होता है, ठीक है, कि जिसके अंदर अगर मार्केट आती है तो मार्केट 100% जो है वो सेल जाती है, ठीक है? दिस इज़ द बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल के जहाँ से मार्केट जो है वो सेल जा रही होती है, ठीक है? वो एक रिकावट होती है, ये चीज़ हमने कल देखी थी। अब हमने ये देखा कि भाई मार्केट के अंदर जो चार्ट है हमारा, ठीक है, लाइक इस तरीके से अगर हम इसको देखते हैं कि ये चीज़ है, ठीक है, और ये मार्केट इस तरीके से जो है ना मूव कर रही है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक हो गया। ये सारा सीन हमने कल देखा था कि मार्केट ये जो है ना वो इस तरीके से मूव कर रही होती है समटाइम्स, ठीक है, ये इस तरीके से। अब मार्केट ये सीन में मूव कर रही है, मार्केट अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं है, ना बाय ना सेल। तो हमने देखा कि यार सबसे ऊपर वाला जो लेवल होगा वो हमारा मेजर रेजिस्टेंस होगा, लाइक के हमें पता चला कि जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस को टच किया उसने, तो वहाँ से सेल आई है। तो हमें ये चांस मिल गया कि भाई हमें भी मार्केट जो है वो नेक्स्ट टाइम यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी दे सकती है, क्योंकि मार्केट 3-4 दफ़ा यहाँ से जो है ना वो टकरा के नीचे आई है, ठीक हो गया। सेम एज इट इज़ हमने देखा कि भाई ये एक मेजर सपोर्ट है, लेट सपोज के ये, तो हमें पता चला कि यार मार्केट ने इधर से हमें जो है एक, हमें मेजर लेवल से एक प्रॉपर एंट्री दी है, लाइक यहाँ से मार्केट बाय गई थी, ठीक है, और हमें 100% श्योर है कि मार्केट अगर इस लेवल पे दोबारा आती है सपोर्ट पे, तो मार्केट यहाँ से बाय जाएगी। जैसे अभी यहाँ पे मैंने सपोज किया, यहाँ पे आई है, सो ऑलमोस्ट मार्केट क्या करेगी, यहाँ से जो है ना वो बाय जाएगी, ठीक है। दिस इज़ द मार्केट सिनेरियो। अब हमने अपने मेजर लेवल्स को आइडेंटिफाई किया, लाइक हमने सिर्फ देखा कि कुछ मेजर लेवल्स जो हैं वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है, कि ये हमारा मेजर सपोर्ट और मेजर लेवल्स है। अब लेट सपोज
कि आपने जो है ना वो ये लेवल ड्रा किया, दिस इज मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड दिस इज, ठीक है, यहाँ से आपने ड्रा किया, दिस इज मेजर सपोर्ट, ये आपके दोनों ड्रा हो गए हैं। लेट सपोज कि आपने ये दोनों एक्टिविटी जो है ना वो दोनों कर ली हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि समटाइम्स आपने ये देखा होगा लाइक इस तरीके से कि मार्केट में जो है ना वो कुछ रिजेक्शन होंगी, ठीक है। लाइक ये देखो, समटाइम्स यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो गया है, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। लाइक मार्केट नीचे आई है, ठीक है, लेकिन यहाँ से रिजेक्ट होकर ऊपर चली गई है, मतलब उसने एक नीचे बिल्कुल मेजर सपोर्ट पे एग्जैक्टली नहीं चली गई, देन मार्केट नीचे आई है, ठीक है, उसके बाद जो है ना वो अगेन इस तरीके से नीचे चली गई है, ठीक है, और उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे आई है तो फिर उसको टकरा के नीचे चली गई है। अब ये क्या बन रहे हैं, ये आपके लिए रिजेक्शन हैं, ठीक है, आपको नहीं पता कि ये कौन से लेवल्स हैं, बट ये एक रिजेक्शन है। लाइक इस तरीके से आपको पता चला कि भाई मार्केट इन लेवल से रिजेक्शन कर रही है, उसकी वजह क्या है वो भी आपको नहीं पता, ठीक है। लाइक मार्केट ने यहाँ से आके नीचे चली गई, देन उसके बाद यहाँ से मार्केट ने जो है ना वो आके एक एंट्री दी सेल की, हालांकि वो तो ऊपर जा रही थी सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे जा रही थी मेजर पे, लेकिन ये सीन हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया जी, मार्केट यहाँ से उठी है, ठीक है, इस लेवल से मार्केट जो है ना वो उठी, ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ पे आई है, ठीक हो गया इस तरीके से, तो उसके बाद अगेन यहाँ तक आई, ठीक है, देन अगेन ऊपर चली गई इस तरीके से, ठीक है, ये चीज़ हुआ, देन ये मार्केट इस तरह मूव कर रही है। अब ये सारी चीज़ें ना आपकी रिजेक्शन हो रही हैं, लाइक ये सारी जो है ना आपकी रिजेक्शन है। अब ये देखो सेम ये है, ठीक है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके बाय गई हुई है, ठीक है, तो इसी तरीके से आपने जो है ना वो सारी रिजेक्शन देखी कि भाई कहाँ कहाँ से मार्केट जो है वो मतलब इस तरीके से जा रही है। लेट सपोज़ कि ये आपने देखा यहाँ से मार्केट बाय चली गई है, ठीक है, उसके बाद ये देखा आपने सेम इधर से भी बाय गई है, उसके बाद यहाँ से आपने देख लिया, ठीक है, ये सारे लेवल्स आप मतलब देखते जा रहे हो, ठीक है, मतलब इसी तरीके से मार्केट मूव करती है ना, बाय में जाए तो इस तरीके से, अगर सेल में जाए तो जिस तरह ये है, ठीक है, देन उसके बाद ये है, देन उसके बाद ये हो गया, देन उसके बाद ये है, ठीक है, इस तरीके से मार्केट जो है ना वो अपना स्ट्रक्चर बनाती हुई, मतलब बेशक नीचे आ रही है लोअर लोज एंड लोअर हाइज वाला, सॉरी इसको मैं कर लूँ ठीक थोड़ा सा, बट ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इसकी रिजेक्शन है, मतलब मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दी हुई हैं, मार्केट मतलब जो है वो इस तरीके से मतलब बाय एंड सेल आ रही है, ठीक है, नीचे की तरफ आ रही है, बट ये क्या चीज़ें इसकी रिजेक्शन, ठीक हो गया इस तरीके से, इसको हम थोड़ा सा क्लोन कर लेते हैं। लाइक हमने हर जो है ना लेवल को चेक कर लेना है, और हमने इसमें माइनर लेवल आइडेंटिफाई अब करने हैं, ठीक है, आपने ये भी देख लिया, ठीक है, उसके बाद आपने ये देख लिया, देन उसके बाद आपने ये देख लिया, ठीक हो गया। अब ये सारे लेवल्स आपको जो है ना वो पता चल रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट अभी माइनर में बताता हूँ किस तरह फाइंड आउट करना आपने, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, देन ये यहाँ पे, अब ये सारे आपको पता चल गया। अब आपने ये देखा कि भाई मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे जो एक रिजेक्शन हुई हुई है ये वाली, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा रिजेक्शन है, तो यहाँ पे एक लेवल ड्रा हो सकता है जिसको हम माइनर लेवल बोल सकते हैं, ठीक है। आपने देखा कि भाई यहाँ पे कितनी रिजेक्शन हुई हैं, ठीक है, सेम लेवल से एक रिजेक्शन है, ठीक है, मार्केट यहाँ से बाय गई है, अगेन इस लेवल से मार्केट सेल गई है, ये भी रिजेक्शन है, सेम इस लेवल से मार्केट बाय गई है अगेन, ठीक है, तीन रिजेक्शन होंगी, फिर यहाँ से बाय गई है, तीन रिजेक्शन होंगी, फिर यहाँ से एक दफ़ा अगेन सेल आई है, तो आपको पता चला कि भाई यहाँ से मार्केट ने ज़्यादा दफ़ा रिजेक्शन दी है, दिस इज़ द माइनर लेवल, आप इसको एक माइनर लेवल जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सेम आपने क्या किया, आपने ऊपर देखा कि भाई यहाँ से देखो रिजेक्शन मिल रही हैं हमें, दिस इज़ द आल्सो लेवल, एक अच्छा लेवल है, यहाँ से मार्केट ने काफ़ी दफ़ा रिजेक्शन दी है और सेम लेवल से दी है मार्केट ने, तो आपने ये भी एक अच्छा लेवल इसको सपोज करते हुए जो है ना वो ड्रा कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी आपको अच्छी रिजेक्शन मिल रही हैं। लाइक यहाँ पे देखो एक रिजेक्शन ये है, ठीक है, मार्केट उसके बाद एक दफ़ा यहाँ से, इसको मैं ड्रा करता हूँ सॉरी, ठीक है, मार्केट यहाँ से एक दफ़ा बाय गई है, ठीक है, तो जहाँ पे आपने रिजेक्शन ज़्यादा देखी सिंपली आपने माइनर लेवल ड्रा कर दिया। हालांकि मेजर लेवल मैं कहता हूँ कि आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, ऊपर नीचे देखने से आप मेजर लेवल तो देख लेते हो, लेकिन उसमें भी एक साइकोलॉजी होती है, आपको समझना पड़ता है, लेकिन ये माइनर लेवल ड्रा करना सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि हमें रिजेक्शन सामने नज़र आ रही होती है प्रीवियस मार्केट में, ठीक है, और हमें ज़रूरत ही नहीं होती कि भाई हमने सबसे ऊपर जाके चेक कैसे करना है या सबसे नीचे कैसे करना है, क्योंकि हमें माइनर लेवल आइडेंटिफाई करना होता है। सो दीज आर बेसिकली द माइनर लेवल्स जो कि अंदर हमने दो लाइन्स ड्रा की हैं माइनर की, ठीक है। अब हम मार्केट में चलते हैं, ये देखो ये मार्केट है, देखना ज़रा,
इस तरीके से, ठीक है, ये मार्केट है, ठीक है, इस तरीके से। अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपना मेजर लेवल डिफाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैंने सबसे नीचे देखा जी ये मुझे मेजर सपोर्ट लग रही है, ठीक है, इसको हम ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से। ये आपकी होगी मेजर सपोर्ट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब आपने मेजर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, वो आपकी होगी जी ये, ठीक है, ये आपकी होगी मेजर रेजिस्टेंस। आपने इसको जो है ना वो एक एक्यूरेट वे से ड्रा कर लिया, ठीक हो गया जी, आपकी मेजर होगी। अब आपने माइनर कैसे ड्रा करनी है, सिंपल आप चेक कर लो, अपने माइंड से चेक कर लो, ज़रूरी नहीं कि आप ड्रा करो, बट मैं चलो आपके लिए ड्रा कर देता हूँ, आप सिंपल चेक कर लो, ठीक है, आपको खुद ही एनालाइज हो जाएगा। ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके बाय गई है, ठीक हो गया। सेम आप इसी लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट देखो तो मार्केट यहाँ से भी एक दफ़ा बाय जा चुकी है, ठीक है। रिजेक्शन देखनी है जहाँ पे ज़्यादा आपको सामने नज़र आ जाएंगी, सेम लेवल है यहाँ से मार्केट बाय गई है, देन अगेन सेम लेवल है जब यहाँ से मार्केट बाय गई है, ठीक है। तो ये चार रिजेक्शन माशाल्लाह आपको मिल रही हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही पता चल जाएगा कि भाई इतना ईजी है, ये चार रिजेक्शन की बेस पे हम एक आसान सा एक माइनर लेवल इस तरीके से ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा एक माइनर लेवल है, ठीक है, सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस कोई कुछ चीज़ नहीं है, सिंपल। आपने ज़्यादा रिजेक्शन देखी, वहाँ पर आपने अपना एक लेवल पुट कर दिया, ठीक है, दिस इज़ द माइनर लेवल, ठीक है। उसके बाद आपने मज़ीद कुछ रिजेक्शन देखनी है तो वो भी आप सिंपली देख सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। जैसे कि यहाँ पे इसको क्लोन कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो क्लोन किया आपने इसको, यहाँ पे इसको लेके आओ, ये देखो ये एक लेवल जहाँ से मार्केट बाय गई है, इसी के सामने आप जो है ना वो लेवल कोई देख लो, जैसे कि ये लेवल है, सेम इसी लेवल से मार्केट बाय गई है, ठीक है। उसके बाद आप अगर थोड़ा सा प्रीवियस चले जाएँ, ठीक है, तो सेम लेवल से मार्केट सेल गई है, लाइक ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इजीली लाइक इस तरीके से आप एक अच्छा लेवल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो एक माइनर, ओनली विद द हेल्प ऑफ सिंपल रिजेक्शन, ठीक है। लाइक आपने देखा कि मार्केट में रिजेक्शन ज़्यादा, तो आपने लेवल ड्रा कर लिया, दिस इज़ द लेवल, ठीक है। और उसके बाद आप देखो कि सेम लेवल से मार्केट दोबारा सेल भी गई है, और वो सॉरी ये तो उसका क्लोन आ गया ना, ठीक है, इसकी जो है, ठीक है, यहाँ पे क्लोन करो इसे, और यहाँ पे इसको उठा के ये लाओ, ये देखो सेम लेवल से मार्केट सेल भी गई है, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये लेवल बन रहा है, ठीक है, दिस इज़ द माइनर लेवल आल्सो। और इसको आपने सिंपली कैसे ड्रा किया, सिंपल रिजेक्शंस देख के, कि कहाँ से ज़्यादा रिजेक्शन हुई है वहाँ पे लेवल ड्रा कर दो, ठीक है। हमने यहाँ पे तो नहीं किया क्योंकि ये माइनर लेवल अच्छे वाले नहीं बन रहे, तो हमने नहीं किया, ठीक है। सेम एज इट इज़ आप चलो यूरो यूएसडी पे, ठीक है, यूरो यूएसडी पे हम आते हैं, ठीक है, ये यूरो यूएसडी है, ये देख लो मार्केट उसी साइड पे जा रही है जो मैंने कहा था, इधर तक आई है लेकिन बाय जा रही है, क्योंकि लेवल्स पे डिपेंड करता है भाई, लेवल्स आप किस तरह ड्रा करते हो, कितने अच्छे ड्रा करते हो, ठीक है। ये देखो ये आपका हो गया माइनर, सॉरी आपके ये मेजर लेवल्स हैं, ठीक है, इस तरीके से ये आपके सामने ड्रा, ठीक है। अब हमने माइनर लेवल फाइंड आउट करने हैं कैसे करेंगे, ठीक है, अगर आपने सर्कल ड्रा करना है कर लो, नहीं तो ना सही, उसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बट अगर आप ड्रा करना चाहते हो तो बेस्ट है। ये एक लेवल है कि जहाँ से मार्केट सेल आई है, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है, एक ये लेवल हो गया, सेम उसको उठाओ, आप यहाँ से चेक करो कि यार ये एक ये लेवल है, ये भी सेम उसी लाइन में है, एक अच्छा लेवल है जहाँ से मार्केट सेल आई है, ठीक है। उसके बाद इसको सेम उठा के ले जाओ यहाँ पे, ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट बाय गई है। अब तीन रिजेक्शन आपको मिल गई हैं, ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ से एक लेवल उठाओ और सिंपली इसको ड्रा कर दो, दिस इज़ द माइनर लेवल, ठीक है। सिंपल वे में आपने तीन रिजेक्शन देखी और माइनर लेवल ड्रा कर दिया। नेक्स्ट माइनर लेवल कैसे ड्रा करना है, ठीक है, दो से ज़्यादा ड्रा ना करना, चार ज़रा बुरा लगता है, ठीक है, दो लेवल्स माइनर अगर ड्रा कर ले तो मेरे ख्याल से बहुत है, दो से ज़्यादा ड्रा करोगे चार इतना बुरा लगता है ना। इसको उठा मैं उठा रही यहाँ से, तो इसको यहाँ से फारग करूँ, ये चीज़, ठीक है। अब ये देखो ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट बाय गई है, ठीक है, अब इसको आप क्लोन करो और इसके जगह पे लेवल्स ड्रा करो, ठीक है। और उसके अलावा बिल्कुल सेम लेवल पे आप देखें तो यहाँ से मार्केट सेल भी एक दफ़ा आई है, ठीक है, सेम आप इसको क्लोन करो और आप इसको उठा के आगे ले जाओ, आपको आहिस्ता आहिस्ता निशानियाँ मिलती जाएंगी माइनर लेवल्स की, ये देख लो,
ठीक है, यहाँ पे ये ला वाला, सॉरी, ठीक है, बिल्कुल इस सेम जगह पे। देन उसके बाद आपने यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे रख लिया। मेन चीज़ कहाँ पे आ रही है कि जहाँ पे ज़्यादा रिजेक्शंस आपने देखनी है, ठीक है। सिंपली आपने इसको यहाँ से मेजर किया, ठीक है, और यहाँ पे उठा के आपने इसको रख लिया। दिस इज़ आल्सो योर माइनर लेवल, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप लोग अपने मेजर और अपने माइनर लेवल्स आइडेंटिफाई कर लेते हो अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, ठीक है। अब ये आपका माइनर रेजिस्टेंस है, ये इसका माइनर सपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं, जीबीपी यूएसडी पे। आज का लेक्चर बहुत ही शॉर्ट है और बहुत ही छोटा लेक्चर आपका, ठीक है। ये देखो मार्केट उसी जगह जा रही है जो मैंने कल आइडेंटिफाई किया था, हालांकि कल का वो एरो ड्रा है, लेकिन मार्केट देख लो यहाँ से बाय होके नीचे आके फिर ऊपर गई है, अभी वहाँ ऊपर तक जाएगी इंशाल्लाह। बाय द वे ये आपके मेजर लेवल्स हैं, अब आपने माइनर को ड्रा करना है। तो माइनर ड्रा करने के लिए सबसे पहले तो हमने कोई ना कोई सर्कल ले लो या एरो लगा लो, उसमें कोई मसला नहीं है। मेरे पास एरो है तो मैं एरो लगा रहा हूँ। ये देखो ये एक ऐसा लेवल है जी, यहाँ से मार्केट, इसको थोड़ा सा मन हो उसको साइड पे करके कर लेता हूँ। बीमारी है ये, चार्ट के ऊपर कोई चीज़ करे ना उनको अचमी होती है कि भाई हमें हाथ ना लगाओ, तो भाई निकल जाओ यहाँ से, हमें नहीं तुम्हें एनालिसिस करना तुम्हारी हेल्प से। खैर इसका कलर मैं कोई और सेट करता हूँ, प्यारा सा लगे। कलर ही जो है ना वो थोड़े से इसको भला करूँ डार्क थोड़ा सा ऐसे, हाँ ठीक है। अब इसको उठाते हैं, ये देखो एक ये कर लो, ठीक है। यहाँ से मार्केट सेल गई है, ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ पे आओ तो यहाँ से भी मार्केट सेल गई है, ठीक है। सेम अगर इस लेवल को देखो, ठीक है, आगे लेके जाके तो यहाँ से मार्केट बाई गई है, ठीक है, अगेन, ठीक हो गया। उसके बाद आप पहले ड्रा कर लो क्लोन पे, ठीक है, नीचे आओ, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट बाई गई हुई है, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो सेम इस लेवल से मार्केट बाय गई है, ठीक है। उसके बाद सेम इस लेवल से मार्केट जो है ना यहाँ से बाय गई है, ठीक है। तो आप अब इनके ऊपर लेवल ड्रा कर लो, ठीक है। जहाँ पे आपको ज़्यादा रिजेक्शन मिली हैं आपको नज़र आ रहे हैं माइनर लेवल्स, दिस इज़ वन ऑफ द माइनर लेवल, ठीक हो गया। सिंपली उसके बाद एक ये लेवल है तो वो आपने उसको सिंपली ड्रा कर लिया, ठीक है। तो ये इतने मुश्किल नहीं होते, जस्ट सिंपल आपने देखना होता है कि ज़्यादा रिजेक्शंस कहाँ पे हुई हुई हैं, ठीक है। ज़्यादा रिजेक्शंस दे के आपने मैक्सिमम दो लेवल्स ड्रा करने हैं, ज़्यादा करोगे तो वो बुसोरे लगेंगे, ठीक है, बहुत बुरे लगेंगे, लाइक आपने एक गंदी गंद डाला हुआ है। सिर्फ मैक्सिमम दो लेवल्स ड्रा करो, मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस, माइनर सपोर्ट एंड माइनर रेजिस्टेंस, ठीक है, ताकि आपको भी पता हो कि आप एक अच्छा लेवल ड्रा कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। बाय द वे मार्केट यहाँ पे इस चीज़ को भी फॉलो कर रही है, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये देखो इस चीज़ को, ठीक है। अभी आप लोग ये भी स्टडी करना है, आपने कहना ये क्या आप ड्रा करते जा रहे हैं, ठीक है, ये भी इंशाल्लाह अभी आप स्टडी करेंगे। तो मार्केट इसको भी फॉलो कर रही है, ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरीके से दिस वन, ठीक है। बड़े अमेजिंग चार्ट एनालिसिस होते हैं, बड़ा मज़ा आता है एनालिसिस करने में, ठीक है। ये जीबीपी यूएसडी है, देन आगे चलते हैं यूएसडी जेपीवाई पे। डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर हम मेजर माइनर लेवल्स देखते हैं ना, ताकि हमें पता चल जाए। जैसे ये है, अब अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो इसमें अब मेजर रेजिस्टेंस ये है, लेट सपोज के ये मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक हो गया। उसके बाद ये मेजर सपोर्ट है, ठीक हो गया, ये आपके मेजर लेवल्स हो गए। अब आपने माइनर ड्रा करना है, माइनर कैसे ड्रा करना है, सिंपल है, आपके सामने चार्ट है, ठीक है। आपने जस्ट अपने जो लेवल्स देखने, ये लेवल है यहाँ से भाई मार्केट पहले सेल गई थी, ठीक है, सिंपल। ठीक है, यहाँ से मार्केट सेल गई थी और उसके बाद इसको अब कर लो क्लोन कर लो इसका, ठीक है। इसको सेम लेवल पे लेके आओ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मार्केट बाई गई हुई है इसी लेवल से, ठीक है, ये सेम लेवल है। देन आप इसका करो क्लोन, ठीक है, यहाँ पे इसको करो इसका क्लोन,
यहाँ पे ले आओ, अब इस लेवल से मार्केट बाय जाना स्टार्ट हुई है। आप इसको ड्रा करो तो आपको पता चलेगा कि माइनर लेवल को भी मार्केट कितना रिस्पेक्ट देती है, चेक करो ज़रा। सेम उस माइनर लेवल से मार्केट ने अब बाय जाना स्टार्ट किया। क्यों बाय गई है? हालांकि अच्छी खासी सेल ला रही थी नीचे, बाय क्यों गई है? ये माइनर लेवल था यहाँ पे, ठीक है, और माइनर लेवल को उसने रिस्पेक्ट दिया और उसके बाद में बाय जाना स्टार्ट हुई है। इसके अलावा अगर आपने कोई माइनर लेवल फाइंड आउट करना, ये USD JPY का है, जापनीज येन, ठीक है, USD, ठीक है, वर्सेस जापनीज येन, जापान का जो येन है, ठीक है, जापान की करेंसी है येन, ठीक हो गया। और ये देखो इस तरीके से एक ये लेवल है, ठीक है, और उसके बाद अगर आप पीछे चले जाएँ तो सेम यहाँ पे आपको ये लेवल भी नज़र आएगा इसी लेवल पे, ठीक है। तो सिंपल अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये एक अच्छा लेवल है, ठीक है, इस तरीके से ये एक प्रॉपर लेवल है, ठीक हो गया। और मज़े की बात बता दूँ आपको, एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, इन केस अगर मार्केट ऊपर आती है, बैक बाय में आती है, तो मार्केट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि मार्केट इसको टच ना करे, ठीक है। मार्केट ऊपर आएगी इस तरीके से, ठीक है, यहाँ इधर तक टच करेगी, धन नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सप्लाई जोन, ठीक है, बहुत ही अच्छा सप्लाई जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी तो नहीं आपको इस लेवल का पता चलेगा, लेकिन जब आप इन फ्यूचर इसको देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा। बाकी मैं एक और टेक्निक यूज़ करके चेक करता हूँ भला क्या कहती है वो, एक सेकेंड। ये लेवल है, उसके बाद ये लेवल है, खैर ये भी इंशाल्लाह आप लोग सीख ही जाएंगे जल्दी, इस लेवल तक आप आ ही जाएंगे, ठीक है, जल्दी ही आएंगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया। बाकी इस तरीके से अगर इसको यहाँ पे करें तो होगा सीना 61.1, ठीक हो गया, परफेक्ट, फाइन, ठीक है। एक इसका ये भी लेवल है, ठीक है, ये जो मैंने अभी ड्रा किया, किस तरह आप ये देख लो पीछे से इसको, ये यहाँ से मार्केट बाय गई है, यहाँ से सेल आई है, एंड देन उसके बाद एक ये लेवल भी है, ठीक है। तो ये हमने अपने सारे मेजर और माइनर लेवल्स जो है वो ड्रा कर लिए ओनली विद द हेल्प ऑफ चेकिंग द रिजेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट गोल्ड, ठीक है, गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड क्या कहता है? गोल्ड के हमने लेवल्स तो ड्रा कर लिए थे, ठीक है, इसको डिलीट करो, ठीक है, गोल्ड के मेजर तो डिफाइन कर लिए थे, माइनर्स पे आते हैं गोल्ड के, ठीक है, गोल्ड के माइनर्स पे आए तो मैं लेवल्स ड्रा किए बिना ही माइनर लगा देता हूँ लेवल, ताकि आपको पता चल जाए दिस वन इज़ द बेस्ट लेवल ऑफ द माइनर बिकॉज दिस इज़ द, ये यहाँ पे तीन रिजेक्शन है, यहाँ से मार्केट सेल है, यहाँ से सेल है, यहाँ से बाय है, ठीक है, तीन चार रिजेक्शन इसकी मिली हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको एक ये लेवल मिल गया माइनर, उसके बाद आपने कोई माइनर लेवल ढूंढना है तो वो एक छोटा सा ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने इसको भी फॉलो किया, ठीक है, दो तीन रिजेक्शन इस पर दी हैं, यहाँ से बाय गई है, उसके बाद यहाँ से सेल आई हुई है, ठीक है। अगर मज़ीद कोई माइनर ढूंढना है, गोल्ड है ना भाई, गोल्ड को जितना देखोगे उतना मज़ा आएगा, ठीक है, ये एक माइनर अच्छा सा लेवल है, ठीक है, ये किस तरीके से यहाँ से बाय, यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, चार पांच रिजेक्शंस हैं, ठीक है। तो इस वे से आप अपने मेजर और अपने माइनर लेवल्स आइडेंटिफाई करते हो, ठीक हो गया, समझ आ गई। अब ये आपने इस तरीके से अपने माइनर लेवल्स फाइंड आउट करने हैं। अब दो क्वेश्चंस आपके जो माइंड में आएंगे या कोई स्टूडेंट करता है, वो दो क्वेश्चंस क्या होंगे? सिंपल, एक आपका क्वेश्चन है कि सर जी अगर मार्केट मेजर सपोर्ट पे आती है, ठीक है, ठीक है, हमें वहाँ से बाय देती है, और अगर मेजर रेजिस्टेंस पे आती है तो वहाँ से हमें सेल देती है, ठीक है, या हमें ये बताएं कि अगर मार्केट इस लेवल पे आई है, यहाँ से माइनर रेजिस्टेंस से नीचे आ गई है, ठीक है, तो हम कैसे एंट्री लेंगे? हमें क्या पता है कि यहाँ से ये सेल लानी है या बाय जानी है? ये तो क्वेश्चन बनता है ना कि यहाँ से तो सेल आ गई है, लेकिन हमें था कि मेजर रेजिस्टेंस तक जाके सेल आएगी, तो मार्केट यहाँ से क्यों सेल आ गई है? एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या मार्केट अगर मेजर सपोर्ट से यहाँ से बाय गई है या मेजर रेजिस्टेंस से सेल आती है, तो क्या मेजर सपोर्ट को ब्रेक कर सकती है?
या मेजर रेजिस्टेंस पे ब्रेक कर सकती है? और अगर कर सकती है तो हमें क्या यकीन है कि अगर मेजर सपोर्ट पे आएगी तो मार्केट 100% बाय जाएगी? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। उसका रिप्लाई क्या है? उसका ये है कि भाई अगर मार्केट मेजर सपोर्ट पर आती है या मेजर रेजिस्टेंस पर आती है तो हम आंखें बंद करके एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, हमारे पास इससे भी ज़्यादा अच्छे फार्मूले होंगे। एडवांस लेवल पे जब हम जाएंगे हम एविडेंस के साथ एंट्री लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, यहाँ से मार्केट जो है वो सेल आ गई है। सेम ये लेवल जो है, यहाँ से मार्केट सेल आ गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। सेम लेवल से यहाँ से भी तो सेल जा सकती थी, यहाँ से ब्रेक कर दिया। सो दिस इज़ बेसिकली कि हम जो है वो किस तरीके से एंट्रीज लिया करेंगे। ठीक है, अब पहला आपका जो रिप्लाई है वो ये है कि मार्केट अपने मेजर लेवल्स को भी ब्रेक कर सकती है, इजीली कर सकती है। ठीक है, फिर हम मेजर लेवल्स पे इतना यकीन क्यों करें? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम यकीन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी एनालिसिस पे, अपने एविडेंस के ऊपर। ठीक है, और वो इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे आगे जाकर। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, कि हम हमारे पास और कौन कौन से जो है ना वो लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो आगे जाके हम मज़ीद सीखेंगे इन लेवल्स को। हमने अब एविडेंस इंशाल्लाह आगे सीखना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, लाइक जैसे यहाँ पे किया है या फिर जो है ना वो यहाँ पे किया है, हमें कैसे पता चलेगा मार्केट ने ब्रेक किया? ठीक है, बिल्कुल पता चल जाएगा। कल का जो हमारा लेक्चर है, हमने मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस, माइनर सपोर्ट, माइनर रेजिस्टेंस देख लिया। अब हमने नेक्स्ट ये देखना है कि भाई ब्रेकआउट कैसे होता है, मार्केट अपना जोन कैसे शिफ्ट करती है। ठीक है, ये चीज़ हमने इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करनी है। अभी के लिए जो ये है कि आपने असाइनमेंट जो करनी है वो ये करनी है कि तीन तीन चार्ट्स के ऊपर मेजर और माइनर लेवल्स आइडेंटिफाई करने हैं, बस, और कोई बात नहीं है। बाकी आपके जो क्वेश्चंस होंगे जितने भी हैं वो इंशाल्लाह हम साथ साथ क्लियर करेंगे। अब एक क्वेश्चन किसी के माइंड में आता है, वो मेरे ख्याल से बहुत कम स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा, मैं बताता हूँ वो क्या है। ठीक है, जैसे कि वो एग्ज़ाम्पल है इसकी, हम इसको यहाँ पर ड्रा करें, एग्ज़ाम्पल मैं उसकी बताता हूँ आपको। ठीक है, कैसी एग्जांपल दूँ मैं? ये देखें, अब ये लेवल है ऊपर वाला। ठीक है, आप में से कोई क्वेश्चन करता है कि सर जी ये मार्केट यहाँ से इसको रेजिस्टेंस बना के सेल लाई है। ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, इसको हमने माइनर रेजिस्टेंस बोल दिया। यहाँ पे मार्केट ने, मार्केट ने इसको यहाँ से एक रेजिस्टेंस बना के मार्केट ने सेल की एंट्री दी है। लेकिन सेम सिनेरियो में मार्केट ने यहाँ से एंट्री बाय की दे दी है। ठीक है, तो ये हमें माइनर सपोर्ट कहेंगे इसको या माइनर रेजिस्टेंस बोलेंगे? आता है ना जेन में क्वेश्चन कि भाई यहाँ पे पीछे मार्केट ने इसको माइनर रेजिस्टेंस कह के जो है ना वो सेल की एंट्री दे दी है, लेकिन यहाँ पे माइनर सपोर्ट समझ के बाय चली गई है। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ से मार्केट दो दफ़ा सेल गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ से बाय चली गई है। तो हमें ये बताएं क्या हम इसको सपोर्ट बोलेंगे माइनर या रेजिस्टेंस बोलेंगे माइनर? ठीक है, तो इसका ये रिप्लाई है कि मार्केट में जो एक माइनर लेवल होता है या जो मेजर होता है, कोई भी लेवल है, वो अपना जोन भी शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब ये कि अगर वो सपोर्ट है तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, और अगर वो रेजिस्टेंस है तो वो सपोर्ट बन जाएगा। ये हम कब सीखेंगे? कल की क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है, कि मार्केट अपना शिफ्ट कैसे करती है जोन, अपने रेजिस्टेंस को सपोर्ट में और अपनी सपोर्ट को रेजिस्टेंस में। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन कल क्लियर होगा कि एक आपकी जो मार्केट है वो सपोर्ट से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से सपोर्ट कैसे बनती है। दूसरा ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि भाई मार्केट ने यहाँ ब्रेक क्यों नहीं किया, यहाँ क्यों किया? ठीक है, या फिर यहाँ से, मतलब अगर सेल आई है तो यहाँ से बाय क्यों गई है? ये आपका नेक्स्ट इंशाल्लाह कल एनालिसिस में देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो क्वेश्चन आपका वो ये है कि अगर हम सपोर्ट ब्रेक कर सकती है मेजर, ठीक है, और रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक नहीं की, यहाँ से कर दिया उसने, तो अगर हमें किस लेवल पे भरोसा होगा कि अगर हम यहाँ पे आके बाय की एंट्री लेते हैं, ठीक है, तो हम किस बेस पे लेंगे या हमें कैसे पता चलेगा मार्केट यहाँ ब्रेक नहीं करेगी जैसे यहाँ पे कर गई है? इसका भी रिप्लाई आपके कल के लेक्चर में होगा। डैट इज़ नेम इज़ द रियल ब्रेकआउट लेक्चर। ठीक है, ब्रेकआउट लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कल का। ठीक है,
तो अभी आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मेजर लेवल्स आपके रिपीट हो चुके हैं आज के, ठीक है, एंड देन साथ ही आपने माइनर लेवल्स भी सीख लिए ओनली विद द हेल्प ऑफ रिजेक्शन, बहुत आसानी से, ठीक है, और इतना लंबा टॉपिक भी नहीं था। अब जस्ट आपने क्या करना है, आपने अपने मेजर और माइनर लेवल्स ड्रा करने हैं, तीन तीन चार्ट्स के ऊपर असाइनमेंट करनी है, बाकी जो शिफ्टिंग ऑफ जोन कब होता है, ठीक है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सपोर्ट से रेजिस्टेंस कैसे बनती है, अगर ब्रेकआउट हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, और हम अगर यहाँ से मतलब अगर लेट सपोज दो दफ़ा मार्केट यहाँ पे आई है, अगर हम यहाँ भी रेजिस्टेंस समझ के सेल ले लें तो हम तो लॉस में चले जाएंगे। तो ये हम कल देखेंगे कि भाई हमने सब्र से काम लेना है, अभी हम बिल्कुल बेसिक्स पे हैं, ठीक है, अभी तो हमने आगे जाना है बहुत एडवांस लेवल पे, ठीक है। अब मुझे बताएं कि जो क्वेश्चंस आपके बनते थे वो तो मैंने आपको बता दिए, बाकी चीज़ें क्लियर हैं, माइनर लेवल्स एवरीथिंग क्लियर है, माइनर लेवल्स इजी हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, रिजेक्शंस की बेस पे लेवल्स देखना। MT4 पे भी इसी तरह ही करने हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, रुकिए ज़रा, कोई इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने रेक्टेंगल से ही करना है। कल भी इस तरह हुआ था कि वो लाइट चली गई, बट आप लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस की हुई थी। एक सेकंड, एक सेकंड, जस्ट मैं ना थोड़ा सा आपको मोबाइल पे मेरा टूल्स ओपन कर लूँ तो मैं आपको उस पर भी स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल जाए उस पर माइनर लेवल्स आपने किस तरीके से ड्रा करना है। चैट मैंने आपकी डिलीट सॉरी रिमूव किया है और स्क्रीन में फ़ोन की शेयर करता हूँ। ओके, स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, ले जी हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। मैंने ओपन कर लिया MetaTrader 4, ठीक है, और मैंने जो है वो XAU USD Gold ओपन कर लिया, ठीक है, और इसको मैंने चार्ट को रोटेट कर लिया, ठीक है। अब मैंने चार्ट को किया रोटेट और मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास डिलीट किया सारी चीज़ों को, ठीक है, मैं चलता हूँ किसी और पेयर पे, ठीक है, पहले मैं चलता हूँ EURUSD पे, ठीक है। अब यहाँ पे आया तो मैंने अपना जूम लेवल थोड़ा सा ठीक किया जो कि मुझे लेवल्स का पता चल सके, ये एक नंबर मैंने इसका जूम लेवल रखना है। अब मैंने टूल्स पे जाना, ठीक है, टूल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे, ठीक है, यहाँ पे टूल्स पे जाना, नीचे आना रेक्टेंगल पे, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ से आपने मेजर सपोर्ट ड्रा की, ठीक है, इस तरीके से, ठीक हो गया, ये आपने मेजर सपोर्ट ड्रा कर ली, देन आपने अपनी मेजर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ये, ठीक है, इसको मैं ड्रा कर लूँ पहले इस तरीके से, ठीक है, ये आपने ड्रा कर ली, ठीक हो गया, जूम लेवल आपने इतना रख लिया। अब आती है बारी हमारे माइनर लेवल्स की, ठीक है, माइनर ड्रा करना है सिंपल है, ठीक है, रिजेक्शन देख के, ठीक है, आपको पता चला कि यार ये एक अच्छा लेवल है, ठीक है, यहाँ पे इसको ड्रा कर लेते हैं हम, ठीक है, ये एक आपका माइनर लेवल हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने कोई माइनर लेवल ड्रा करना है, अगेन रेक्टेंगल पे जाओ, ठीक है, उसके बाद आपने कोई माइनर लेवल ड्रा करना है तो वो आपको लगा कि यार ये एक ऐसा लेवल है जो कि एक माइनर है, ठीक है, तो वो आपने ये भी ड्रा कर लिया, ठीक है। तो ये जस्ट हमने चार इसको देख लिए, चार मतलब लेवल्स को देखे, और देखो कितना प्यारा चार्ट लग रहा है, लाइक आप देखो इसको, ये देखो, ठीक है, जस्ट हमने चार लेवल्स को आइडेंटिफाई किया और हमें एग्जैक्ट पता चल गया, लेकिन लेवल आपने इतना रखना ताकि चार्ट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कैंडल्स नजर आए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने ड्रा कर लिया, ये स्क्रीनशॉट लेके असाइनमेंट्स अपलोड कर दी, देन आ जाओ आगे GBP US डॉलर पे, ठीक है,
जीबीपी यूएस डॉलर का हमने मेजर लेवल्स देखा, ठीक है, लाइक हमने ये ड्रा किया मेजर लेवल, ठीक है, उसके बाद हमने देखा अपना इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, वो भी हमने देख लिया, ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट, ठीक है, माइनर लेवल पे। माइनर हमने देखना है, तो उसके लिए क्या करना है हमने, ये हमारा एक माइनर लेवल है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट स्ट्रक्चर याद रखना है। मार्केट इन केस अगर बाय ट्रेंड में है तो भाई सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रा कर देनी है आपने, ठीक है। आपको पता चल जाए कि भाई मार्केट जो है वो एक बाय ट्रेंड में जा रही है, और आपको मार्केट स्ट्रक्चर का भी पता चल जाए कि यार हमने बाय ट्रेंड में मार्केट है तो हमने उसको किस तरीके से जो है ना वो ट्रेड करना है। हमने उसको जल्दबाजी में नहीं ट्रेड करना, हमने ट्रेंड को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड करना उसको। ठीक है ना, तो वो आपने उसको थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को लाजमी थोड़ा सा देखना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ठीक ड्रा कर लूँ, मुझे एक अच्छा लेवल नहीं मिल रहा है इसका, जैको रिसी दे, ठीक है, इस तरीके से। और माइनर लेवल अगर मज़ीद कोई ड्रा करना है, ठीक है, तो वो आपके सामने इजीली आ जाएगी, नो इशू। ठीक है, इस तरीके से अब हमें दो तीन रिजेक्शन यहाँ पे भी मिली हैं और मैंने वो लेवल ड्रा कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप किसी और पेयर पे चले जाएं, लाइक यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ ये कैट JPY है, ठीक है। अब ये आपके सामने एक पेयर है, ठीक है। सिंपली आप इस पे मेजर लेवल्स रेक्टेंगल ऐड कर लें बस, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, आपने इसको जो है ना वो ऐड कर लिया, ठीक है, मेजर लेवल हो गया। देन आपने ऊपर मेजर रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली, दिस वन, ठीक है। अब माइनर लेवल ड्रा करना है, वो हमें एक बहुत अच्छा इसके अंदर लेवल मिल रहा है, ठीक है, एक ही लेवल हमें बहुत अच्छा नज़र आ रहा है रिजेक्शंस पे, वो है ये वाला, कमाल का लेवल है, बहुत अच्छा, ठीक है। मार्केट इस पे एक दफ़ा दो दफ़ा सेल भी आई है, तीन दफ़ा बाय गई है यहाँ से, तो एक अच्छा लेवल है। अगर हमने एक और ड्रा करना है उसमें फोर्थ वन हमारा, तो वो ये है, ठीक है, देख लो तीन चार दफ़ा मार्केट यहाँ से सेल आ चुकी है। तो मार्केट में एक अच्छा लेवल ड्रा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट इट नीड्स प्रैक्टिस, ठीक है। ये देखो ये चार्ट का एनालिसिस हो गया हमारे पास, सिंपल हमने मेजर और माइनर लेवल्स ड्रा कर लिया, चार लेवल हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं है, गंद नहीं डालना, सिर्फ चार लेवल्स टोटल, मेजर माइनर माइनर मेजर, ठीक है, ठीक हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने मोबाइल पे असाइनमेंट करनी है, क्लियर है, समझ आ गई। मोबाइल पे किस तरीके से आप लोगों ने जो है ना वो इसको फाइंड आउट करना है, अब बताएं क्लियर हो गया। माशाल्लाह ग्रेट हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट करनी है, बाकी जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ना ऑब्वियसली आपके माइंड में आएंगे। अब्दुलरहमान देखो मैंने आपको आगे क्या फारसी में बोला है, मैंने ये बोला है कि भाई ये जो चीज़ है अगर आपको ये नहीं पता कि मार्केट मेजर से बाय जाएगी या माइनर से, ये हमारे कल के लेक्चर में डिफाइन होगा ब्रेकआउट वाले में, ठीक है। तो जस्ट जो चीज़ बताई गई है उस पर फॉलो करो, आगे की मत सोचो, ठीक है, इतना फास्ट नहीं चलते, जो चीज़ बताई गई है सिर्फ उस पर फॉलो करो, ठीक है। बाकी आप लोगों ने तीन तीन चार्ट्स के ऊपर असाइनमेंट्स करके मेजर और माइनर लेवल्स फाइंड आउट करके सेंड करनी है, ठीक हो गया, क्लियर है। क्लियर है सबको, जल्दी बताएं, मेरा भाई पिवट पॉइंट मैंने तो आज तक नहीं स्टडी किया, और ये फजूल चीज़ें मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। जी जी पूछें, और कहाँ से क्लियर नहीं हुआ बताएं। पूछे पूछे क्वेश्चन, आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग शाहजहां मिल जाएगी, बेफिक्र हो जाए, ठीक है, परेशान नहीं हो।
चलें, आप लोग बाकी इंशाल्लाह ताला रेस्ट करें और कल प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।